बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में जिन लोग को जॉब का इंतज़ार है वो जॉब का इंतज़ार अब आप लोगों का ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के हवाले से एक बहुत अहम खबर लेकर आया हूँ जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। आईबी में तकरीबन 600+ सीटों पर जो है वो भर्ती शुरू होने जा रही है। कब शुरू होने जा रही है और इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है मुकम्मल तरीक़ेकार आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो व्यूअर्स वीडियो को एंड तक आप लोगों ने लाजमी देखना है, ठीक है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, मज़ीद जो आपकी कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कर रहे हैं ना जाए, फिर आप लोग कमेंट में पूछ रहे होते। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग छोटी सी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद अगर आप हमारे फेसबुक और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अभी व्यूअर्स हम बात करते हैं आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की जॉब्स के बारे में। देखें तकरीबन 600+ सीटों पर जो जॉब्स हैं वो अप्रूव हो चुकी हैं, मंजूर हो चुकी हैं, ठीक है। 600+ जिसमें GD-11, GD-7, OM-11, OM-7 असिस्टेंट और ड्राइवर वगैरह की सीटें हैं, ठीक है। तो इन पर जॉब्स कब शुरू होने जा रहे हैं, देखें इनका नोटिफिकेशन आ चुका हुआ है, हो सकता है इलेक्शन से पहले अनाउंस कर दी जाए, लेकिन अगर इलेक्शन से पहले ये जॉब्स नहीं आती तो इलेक्शन के फौरी बाद ये जॉब्स अनाउंस कर दी जाएंगी आईबी में इंटेलिजेंस ब्यूरो में। तो आप रेडी रहें इसके लिए। अहलियत का मेयार क्या है जी, आप लोग की उम्र 18 से 30 साल होनी चाहिए, ठीक है। 18 से 30 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हो। कद वगैरह छाती वगैरह भी इसमें चाहिए होती है। गर्ल्स के लिए 5'2" कद होता है और बॉयज़ के लिए 5'7" कद होता है, ठीक है। रनिंग वनिंग सब कुछ आपको होता है। इस हवाले से मैं मज़ीद डिटेल्स के साथ आपके साथ वीडियोस शेयर करता रहूँगा। अभी आप रेडी रहें, तैयारी रखें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी जॉब्स आने जा रही है। जॉब्स के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से बता दूं कि इसमें मैट्रिक होती है OM-7 और GD-7 के लिए मैट्रिक होती है, और GD-11 और GD-11 के लिए जो एजुकेशन होती है वो इंटर होती है, असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन होती है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, जब ये जॉब्स आएंगी तो इंशाल्लाह आपके साथ तमाम डिटेल्स शेयर कर दूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।